स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट को। अगर मैं बात करूं एनवायरनमेंट की, तो आप सोच रहे होंगे कि एनवायरनमेंट एक कौन सा चैप्टर है, या मैथ्स की वजह से नहीं है, या जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप ये ना सोचें, क्योंकि आज जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आपके सिलेबस का तो रहेगा, प्लस ये आपका बेस है। क्या है बेस? अगर आप कोई से भी क्लास में हो, नो मैटर व्हाट, आपको इतना तो पता होने चाहिए, क्योंकि आप जब साइंस पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, है ना। और अगर आपको यही नहीं पता रहेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपकी एग्जाम तो अब खत्म ऑलमोस्ट हो ही गई है, और ये सिलेबस का ही रहेगा। बस ये आपको बेसिक नॉलेज गेन करेगा, है ना। क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता कि हम वही चीजें पढ़े जो हमारे एग्जाम में आ जाए। कई बार हमें ऐसा नॉलेज भी जरूरी है जो हमें लाइफ लॉन्ग काम आए। और अगर किसी ने हमसे पूछ ही लिया कि एनवायरमेंट मीन्स क्या होता है, मान लीजिए कि आप साइंस ही पढ़ रहे, किसी ने पूछा साइंस क्या है ना, तो आपको पता होना चाहिए। तो हम ये वाली जो मैं सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, वो सीरीज में मैं आपको ईवीएस के बारे में, साइंस के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊंगी, जिससे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको साइंस में कुछ भी नहीं आता, है ना। अगर आपको इतना भी आता है तो सफिशिएंट, ठीक है। जैसे कई बार होता है जैसे बच्चे बोलते हैं कि हमको मैथमेटिक्स में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं आता, तो साइंस में क्या आता है? तो हम ये वही पढ़ेंगे जिससे हमारी बेसिक नॉलेज गेन हो जाएगी। अब देखिए, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि एनवायरमेंट, एनवायरमेंट मीन्स क्या। तो बेटा एनवायरमेंट हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि आपको एक सही एनवायरमेंट में रहना जरूरी है, तभी आप में डेवलपमेंट आएगा, है ना। और बोला जाता है कि अगर आप एक गलत एनवायरमेंट में रहते हो तो आपको गलत एनवायरमेंट की आदत लग जाती है, तो हमें एक सही एनवायरमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब एनवायरमेंट मीन्स क्या? तो एनवायरमेंट मीन्स होता है जो भी हमारे आसपास की जो भी चीजें हैं, दैट इज अ एनवायरमेंट। अब वो कुछ भी हो सकता है। जैसे बोला जाता है कि आप बचपन से अगर एक सही एनवायरमेंट मिले तो लाइफ जो है स्मूथली हो जाती है, हमें अच्छे एनवायरमेंट मिले, अच्छे लोगों से हम बात करें, तो हम वैसे एनवायरमेंट में ढलते जाते हैं और हम फिर वैसा ही सीखते हैं। सिमिलरली एनवायरमेंट भी सही होता है। एनवायरमेंट जो फ्रेंच भाषा से लिया गया, तो ये तो आपसे पूछा नहीं जाएगा। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि एनवायरमेंट मीन्स होता क्या है। तो समझ में आया एनवायरमेंट मीन्स क्या होता है, कि जो भी अपने आसपास की वस्तुएं होगी, चीजें होगी, पर्सन होगा, दैट इज अ एनवायरमेंट। क्योंकि एनवायरमेंट मीन्स ये होता है नेबरहुड, और नेबरहुड मीन्स होता है आस पड़ोस, ठीक। तो एनवायरमेंट समझ में आया अच्छे से। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट। अगर बात करते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट मीन्स क्या, तो देखिए दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है नेचर और एक होता है मैनमेड। नेचर मतलब क्या? जो नेचर से मिला है ना, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो हमें नेचर से ही मिला है। मैनमेड क्या? जो पर्सन ने बनाया है, ठीक है। जो क्या है? पर्सन ने बनाया। मैनमेड मतलब मैन के द्वारा बनाया गया एनवायरमेंट, दैट इज अ मैनमेड। और नेचर मीन्स जो हमें नेचर से मिला है, जैसे कि नेचर से आप ले सकते हो बायोटिक और बायोटिक। क्या? जो लिविंग बींग हो गए वो बायोटिक, बायो से आप लोग को बायो, है ना। सिमिलरली जो हम बायो सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, वो ऐसे लिविंग बींग के बारे में पढ़ते हैं ना, तो बायोटिक मीन्स हो गया लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में आ गए हमारे प्लांट्स और एनिमल्स। अब हैरानी वाली बात है कि प्लांट्स लिविंग में कैसे आएंगे, प्लांट्स चलते हैं क्या? बचपन से पढ़ते हैं ना कि लिविंग थिंग्स वो जो चलते हैं, खाते पीते, वो होते हैं हमारे क्या? लिविंग थिंग्स। जी हाँ, सही पढ़ते आ रहे हैं। पर लिविंग थिंग्स मतलब ये भी होता है कि जो ग्रो कर रहा है। क्या कर रहे हैं? ग्रो, वो क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स। अगर हम छोटे से एक फर्स्ट क्लास के बच्चे को बोले कि बताओ लिविंग और नॉन लिविंग में अंतर क्या है, हम उससे बोले भाई जो ऑक्सीजन ले सकता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ सकता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड ले सकती है, वो क्या समझेंगे? नहीं समझ सकते ना। तो उसके लिए हमें एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। क्या एग्जाम्पल? हमें उस बच्चे को बताना पड़ेगा कि जो ग्रो हो सके, क्या हो सके? ग्रो। मान लीजिए कि कोई प्लांट था, ये इतना छोटा था, ठीक है। कुछ टाइम बाद ये प्लांट क्या हो गया? इतना बड़ा हो गया। तो ये क्या हो गया? हमारी लिविंग थिंग्स। अब आप, क्योंकि हम बोलते हैं लिविंग थिंग्स जो चल सके, प्लांट चल सकते हैं क्या? नहीं। बट ग्रो तो हो सकते, हो सकते कि नहीं हो सकते? तो ये क्या हो जाएगा? लिविंग थिंग्स। अब मान लीजिए कि ये बॉक्स है। क्या है ये? बॉक्स। कुछ टाइम बाद अगर मैं इसको देखती हूँ तो बॉक्स मुझे ऐसा का ऐसा ही दिखेगा,
इसमें कोई चेंज नहीं आ सकता, ना तो ये बड़ा होगा ना तो ये छोटा होगा, तो ये हो जाएगा नॉन लिविंग थिंग्स। तो लिविंग और नॉन लिविंग में अंतर समझ में आया बेटा? बेसिकली इतना सा डिफरेंस होता है। हम भी देखो हम क्या लिविंग, हमारी हाइट क्या होती है, बढ़ती है, है ना, तो हम क्या होते हैं एनिमल्स, आपको पता ही है वो तो लिविंग में आते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट हो गए लिविंग में आपके प्लांट्स और एनिमल, अब बात करते हैं अबायोटिक। बायोटिक के आगे क्या लग गया, ए। अबायोटिक मीन्स क्या होता है, जो सांस ना लेते हो, जो नॉन लिविंग हो। नॉन लिविंग कौन कौन से हो रहे, हमारे लैंड, जमीन, वाटर, एयर, लाइट, ये क्या है नॉन लिविंग। अब ऐसा तो नहीं कि पंखा चालू कर दिया मैंने मान लीजिए तो ये जब तक बंद करोगे तो ये बंद होगा क्या, ऑटोमेटिक हो सकता है कि बंद नहीं हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा नॉन लिविंग, क्योंकि किसी पर डिपेंड है ना। अब बात कर लेते हैं मैन मेड, मैन मेड में क्या क्या आ जाएंगे, बिल्डिंग्स, रोड, पार्क, कल्चर, इंडस्ट्री। बिल्डिंग पर्सन ने बनाई है, रोड भी पर्सन ने बनाया, अपने आप रोड बन गई क्या, नहीं। अपने आप रोड बड़ी हो सकती है क्या, नहीं। छोटी हो सकती है, नहीं। तो वो ही होगा पार्क, आप समझोगे कल्चर, कल्चर तो पता ही है संस्कृति किसने बनाई है, हमने बनाई है कल्चर। इंडस्ट्रीज मैन के द्वारा बनाई गई है, तो क्या होगी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एरियाज ऑफ एनवायरमेंट, कि एरिया क्या क्या है एनवायरमेंट।